तो मैं कंप्यूटर से दरख्वास्त करूँगा कि हमें नेक्स्ट एक बार पीपीटी दिखाई जाए। ओके कंप्यूटर जी, थैंक यू सो मच। हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। दैट इज 3 पीसेस ऑफ टिम्बर। टिम्बर मतलब वो लकड़ी जो होती है ना हमारे पास। आपने कभी, अब अगर आप कभी गाँव में गए हो या फिर कभी आप कोई भी एक फॉरेस्ट रेस्टोरेंट टाइप को कभी आप गए हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप लकड़ी देखी हो, लकड़ी का जो तना होता है ना, तना, उसको हम काटेंगे ना, या तने के ब्रांचेस होंगी, तो उसको हम अगर काटेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा, ठीक है। उसके लेयर्स बने होते हैं। सॉरी थोड़ी सी मेरी मतलब मेरा जो फिगर बनाने का तरीका है वो ऐसा है, ठीक है। वो ऐसे ऐसे लाइंस दिखती हैं आपको, ठीक है। जो टिम्बर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हम देखते हैं एक बार। थ्री पीसेस ऑफ टिम्बर मतलब ऐसे 3 पीसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है, आर 42 मीटर एंड 49 मीटर, 56 मीटर, ठीक है। 3 क्वांटिटीज को हम लिख लेंगे, ठीक है। ओके 42 मीटर एंड 49 मीटर एंड 56 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इंटू प्लैंक्स, मतलब उनको काट के प्लैंक्स बनाना है हमें, ठीक है। इंटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ, ऑफ उनको सेम लेंथ में बनाना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ऑफ सेम लेंथ मतलब ऑफ सेम लेंथ, मतलब आपको समझाऊंगा अभी। ऑफ सेम लेंथ इसको हम लिख लेते हैं, ऑफ सेम लेंथ, ये हमारे क्वेश्चन का हाईलाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। ऑफ सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, what is the greatest possible length, what is the greatest possible length। बस अगर आपने ये दो लाइन समझ ली, क्वेश्चन आपने कर दिया आपके, मतलब अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैं एक बार कंप्यूटर से दरख्वास्त करूंगा कि एक बार क्वेश्चन हटाया जाए। ओके अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 3 नंबर से तीनों नंबर आपके झोली में, अगर आपने दो लाइन समझ ली तो, ठीक है। उसको समझाने के लिए कौन है यहाँ पे? मैं हूँ, ठीक है। प्रणब सर आपके साथ है इस दोनों के कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ओके सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ऐसा है एग्ज़ाम में अभी आपको बताया, अभी आपको बताया कि ये जो चैप्टर है, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ HCF एंड दैट इज़ द चैप्टर ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें क्या करना है, HCF लगाना है। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन क्या, लेकिन ये कि अगर आपके पास बाकी सारे चैप्टर, अगर 4 चैप्टर को जोड़ दिया जाए तो आप फिर बाद में कन्फ्यूज भी हो सकते हो कि हमें अप्लाई यहाँ पे क्या करना है, LCM अप्लाई करना है या कोई और मेथड हमें अप्लाई करना है। क्या बता, हमें अगर बोर्ड्स में एग्जाम पूछा जाए तो आप सरफेस, वो कुछ ना कुछ और मेथड अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको पता होगा इन दोनों लाइन का मतलब, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन दोनों लाइन का मतलब एक्चुअली है क्या, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 3 क्वांटिटीज गिवन है। ओके 3 क्वांटिटीज कौन सी है, 42, 49 एंड 56, ठीक है। ओके ऑफ सेम लेंथ मतलब पूछा है कि जो तीनों क्वांटिटीज है उनको काटा गया सेम लेंथ में, ठीक है। अगर मेरे पास तीनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है, मान लो 3 अलग अलग क्वांटिटीज, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पकड़ लो, देख लो, ठीक है, 3 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, मैं उनको ऐसे काटूंगा कि वो सेम लेंथ में रहे, मतलब इसका ढक्कन जो होगा इसके ढक्कन के बराबर होगा, ठीक है। ये जो दोनों ढक्कन होंगे, दिस विल बी इक्वल, ठीक है, इक्वल होंगे। ओके चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटीज वो कितना बड़ा है, अगर वो मान लो कि 49 है तो 49 14 और 42 का भी 14 कुछ भी हो सकता है, 56 का भी 14 ताकि वो आपस में सब एक साथ जैसे दिखे, एक बराबर दिखे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, कि ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब सबसे जो कॉमन होगा और उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा। आप अगर बोला जाए कि पॉसिबल लेंथ, मतलब ऐसे अगर व्हाट कैन बी द सेम ऑफ सेम लेंथ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसमें से एक लेंथ काटो, इसमें से भी एक, तो मतलब इसके 42 सेट्स बन जाएंगे 1 × 42, इसके भी 42 सेट्स बन जाएंगे 1 × 49, इसके भी 1 × 42 हो जाएगा, 56 हो जाएगा,
मतलब आपने बराबर तो काटा लेकिन उसके बहुत बड़े पीसेस कर दिए, समझ आ रहा है ना? मतलब हमें ऐसा एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि इनके, हमें ऐसे कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि इनके बिल्कुल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा, समझ में आया ना? ओके ग्रेट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ओके, सबसे पहले हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 56 इज ग्रेटर देन 49 ग्रेटर देन 42, ठीक है ओके। हम किन नंबर को लेंगे अब? हम सबसे दो बड़े नंबर्स को लेंगे, ठीक है। अब देखो दो बड़े नंबर्स कौन से हमारे पास, दिस आर 56 एंड 49, ठीक है। अब 56 एंड 49 को यहाँ पे रफ वर्क के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। 56 मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड 49 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। 49 सर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एक्सीड हो जाएगा, सिंपल सेम चीज़। तो 49 इंटू 1 विल बी 49, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 7, ठीक है। तो 7 अगेन दिस बिकम्स आवर डिविडेंड एंड दिस बिकम्स आवर डिवाइजर। तो 49 7 1 7 7 जा 49, सिंस रिमाइंडर अब हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो दिस बिकम्स आवर कौन, हु इज आवर एच सी एफ, 7 इज आवर एच सी एफ ऑफ व्हाट, 56 एंड 49, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हमें कौन से दो नंबर लेना है, सबसे जो छोटा नंबर था तीनों में से प्लस जो इनमें से दो इनमें से एच सी एफ आया, ठीक है ओके। नाउ अब देखना है 42 में से 42 और 7 में से कौन सा बड़ा है, 42 बड़ा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। हमेशा आप बड़ी क्वांटिटी में से तो छोटी क्वांटिटी निकालते हो, किसी के पास अगर 100 रुपये है तभी तो आप उससे 20 रुपये ले पाओगे, अगर आप उससे 100 रुपये वाले से 200 रुपये नहीं ले पाओगे ना, आप समझ में आया ना? तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी में से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ओके, नहीं तो जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट पाएंगी, ठीक है ओके। तो दिस बिकम्स अवर 42 एंड दिस इज 7, ठीक है। तो 7 7 इज 7, 7 इज 14, 7 इज 21, 7 4 इज 28, 7 5 इज 35, 7 6 इज 42, सिंपल 7 6 इज 42, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 7 6 इज 42, बचा हमारे पास क्या, 0, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द एच सी एफ ऑफ 42 एंड 7 विल बी 7 ओनली, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं, बस आपने ये लिख दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फैक्चुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंस टेकिंग 56 एंड 49 for HCF, ठीक है। अब आपको लाइन यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। दैट विल बी 56 इक्वल्स टू 49 इंटू 1 प्लस 7, सेम लाइन। सिंस यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और लिख देना आपको, जो कि मेरे से मिस हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अपलाइन ये लाइन तो आपको लिखनी लिखनी है, ठीक है। अगर आपने ये लाइन ही लिखी ना तो टीचर चाहे तो आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। तो हमें अपने नंबर फालतू का नहीं कटवाने, सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ठीक है, लीमा मैं नीचे लिख देता हूँ ओके। सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 7 becomes our divisor, 7 becomes our divisor and who becomes our dividend, 49 becomes dividend, ठीक है, 49 dividend बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब 49 equals to 7 into 7 plus 0, since अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हैं, सिंस ऑन
एक लाइन और ऐड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना देते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देते हैं इसको, ताकि दिखने में अच्छा लगे. जितना आप लिखोगे ना स्टूडेंट, आपके आइडियाज़ जितना अच्छे, जितने आपके जो एक स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना है, अगर आपके कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है. टीचर को कभी उससे मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है. ओके, सिंस ऑन टेकिंग 7 एज डिवाइजर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफोर 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ whom, किसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 49, ठीक है. नाउ यहां पे आपको वो लाइन लिख देनी है, ठीक है. नाउ 42 इज ग्रेटर देन 7, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आपको लिख देना है खुद, ठीक है. अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, देयरफॉर 42 इक्वल्स टू 7 6 आर 42 प्लस रिमाइंडर वाज 0, ठीक है. सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सेम लाइन लिख देना है, ठीक है. सेम लाइन हमें यहाँ पे लिखना है, सिंस ऑन टेकिंग 7 एज डिवाइजर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 7 इज द HCF ऑफ 42 एंड 7, ठीक है. देयरफॉर अब मैं स्टूडेंट इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ, और आप इसको अगर आपने नोट नहीं किया है तो इस वीडियो को एक बार पॉज करना, फिर दोबारा देख लेना, ठीक है. ओके, सिंस 7 इज द HCF ऑफ 42 एंड 7, देयरफॉर वी कैन से 7 इज द HCF ऑफ 42, 49 and 56, ठीक है. ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन तो एच सी एफ का नहीं पूछा था हमें क्वेश्चन एच सी एफ का, हमें तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछा था ना. तो देयरफॉर 7 इज द ग्रेटेस्ट, 7 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल length of the हमारे पास एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑफ द प्लैंक ठीक है एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए कंप्यूटर जी, एक बार ऑफ द प्लैंक, ठीक है. ये जरूर आपकी जो लाइन है बास में हमने जो लिखा है, ये लाइन आपको जरूर लिखना है, ठीक है, एग्जाम में. अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा ना तो आपके 0.5 मार्क्स कट सकते हैं, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो काट सकता है चाहे तो नहीं भी काट सकता है, लेकिन हमें टीचर को मौका ही क्यों देना है, ठीक है. इसलिए हम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है. मैं इसी के साथ आज का हमारा ये वाला मॉड्यूल, जो हमारा ये वाला सेशन, मैं कंप्लीट करता हूँ. आज नेक्स्ट जो हमारे सेशन में हम जो दो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम अच्छे से करेंगे. इसके साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है. जिनको भी आपको लगता है कि वीडियो शेयर करना चाहिए आप उनको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू.